मैडम आज आदर्श हॉस्पिटल का उद्घाटन है, चीफ गेस्ट आप आए हैं, तमाम जनता के क्या बोलना चाहेंगे हॉस्पिटल चालू हुआ? सबसे पहले मैं डॉक्टर इरफान और उनके पूरे फैमिली मेंबर्स सब लोगों को पूरे स्टाफ को बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि एक आदर्श हॉस्पिटल जो मेरे ही वार्ड में ओपन हुआ है। और मैं समझती हूँ कि अभी मैंने अंदर पूरा दौरा किया, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो दूर दूर जाना पड़ता था छोटे मोटे हॉस्पिटल छोटी मोटी चीज़ों के लिए, अब बिल्कुल हमारे ही वार्ड में इतना अच्छा हॉस्पिटल ओपन हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे अच्छे से अच्छा लोग इलाज करेंगे। अभी मैं अंदर यही बात बोल रही थी कि बहुत गरीब इलाका है, स्लम इलाका है, लिमिटेड चार्ज में एक अच्छा इलाज, और हर जनता यही चाहती है। और मुझे उम्मीद है कल के खिदमत के हिसाब से ये हॉस्पिटल खोला गया है और इंशाल्लाह ये अच्छा चलेगा। इसमें क्या क्या फैसिलिटी है मैम? देखिए अभी ये डॉक्टर साहब पूरी बताएंगे। वैसे तो OPD 24 आवर्स, यही बड़ी बात है, अच्छे डॉक्टर्स बैठना 24 घंटे, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि BMC हॉस्पिटल बड़े बड़े भी जो रहते हैं रात में अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलते, सैटरडे संडे नहीं मिलते। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई हॉस्पिटल इस तरीके का खुले एरिए में, जिस पे आपने देखा होगा अभी 5 तारीख को इन्वायरमेंट डे भी है हमारे वार्ड में, खासकर डंपिंग ग्राउंड, SMS कंपनी, ऐसी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी सरकार एकदम निकम्मी नाकारा हो चुकी है। बिल्कुल मानकुर शिवाजी नगर गोवंडी के बारे में सोचना नहीं चाहती, कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि हमारे मानकुर शिवाजी नगर को निग्लेक्ट किया जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में ऐसे हॉस्पिटल गरीब जनता का ही सहारा होते हैं और इंशाल्लाह यहाँ अच्छा काम होगा, मुझे उम्मीद है, वरना हर बार मेरा विजिट ऐसे लगा रहेगा यहाँ पर ताकि यहाँ पर किसी भी किस्म की गड़बड़ ना हो। किस तरह का मैसेज देना चाहिए? सब एरिया के लोगों को बोलूँगी यहाँ आइए विजिट कीजिए, अल्लाह ना करे वैसे तो हॉस्पिटल के लोगों को ज़रूरत पड़े, इसके बावजूद भी क्या है देखिए अभी जिस तरीके की शिद्दत की गर्मी हो रही है और पोल्यूशन भरपूर है, तो दवा तो चलती ही रहती है, लेकिन यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स हैं, इसका फ़ायदा उठाएं। और वैसे मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने अभी डॉक्टर इरफान के सुनी, मैंने उनकी बातें सुनी, तो इससे पता चलता है कि कल के खिदमत का जज्बा है इनमें, और इनके सर पे इनके वालिद का हाथ है, अम्मी, इतनी अच्छी तालीम है इन लोगों की। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ इस हॉस्पिटल में काफ़ी हद तक सहूलतें हैं और उसका फ़ायदा पब्लिक ज़रूर उठाएंगी। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ रुखसाना मैडम का, जो यहाँ आके हमारी हौसले अफजाई की। और यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ ये गरीबों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल चीज़ है, जो हम इनको कहेंगे 24/7 एमरजेंसी सर्विस अवेलेबल, यहाँ सारी चीज़ें उनको मिलेगी, क्योंकि जो बाहर जाके धक्के खाते हैं चार्जेस ज़्यादा होके, इंशाल्लाह हम उनको एकदम कम से कम में करके देंगे और सारी रियायत की जाएगी। और हर तरह के कंसल्टेंट, फिजिशियंस, गायनेकोलॉजिस्ट, इलेक्ट्रिशियन 24/7 अवेलेबल है यहाँ, क्योंकि मैं चाहूँगा कि यहाँ की सारी जो जनता है आवाम है यहाँ से फ़ायदा उठाए और इंशाल्लाह हम खुद एकदम जितना हो सके खिदमत कल की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। फैसिलिटी क्या क्या है बताइए? फैसिलिटी भाई ये हमारे यहाँ ये कि 24/7 जो है कंसल्टेंट अवेलेबल है, फिजिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट के इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, OT सर्विसेज अवेलेबल है यहाँ। बहुत से जगह में लैप्रोस्कोपी जो सर्जरी होती है वो नहीं हो पाती है, जो जनरल एनेस्थीसिया में दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ वो अच्छे से अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो वो सारी सर्विस एकदम की एकदम कम दाम में और चीपेस्ट रेट में अवेलेबल है, ठीक है। मेडिकल स्कोर भी है 24/7, लैब भी है हमारा, जो चाहे एकदम कम रेट में खून कैश जो होता है यहाँ हमारे यहाँ होता है भाई, ठीक है। तो बस ये मैसेज देना चाहूँगा यहाँ के आवाम को कि वो आए यहाँ एक बार विज़िट करें। अच्छा खासा माशाल्लाह हमने हॉस्पिटल बनाया है, कंस्ट्रक्शन अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, सर्विसेज अच्छी है यहाँ की, और एकदम कम चीपेस्ट रेट में। ये आपका पहला ब्रांच है? जी, ये मेरा पहला ब्रांच है, और इंशाल्लाह पब्लिक का रिस्पॉन्स रहेगा तो इंशाल्लाह हम और भी ब्रांचेस खोलेंगे और इसी सर्विसेज के साथ खोलेंगे, इसी रेट के साथ खोलेंगे। और मेरा भरोसा ये है कि इंशाल्लाह पब्लिक जो भी आएगी, पेशेंट जो भी यहाँ आएंगे, ना उम्मीद होकर यहाँ से नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। उनको डिस्काउंट वगैरह भी दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल दिया जाएगा, जिस तरह की भी रियायत होती है हम सारी अपनी तरफ से करेंगे इंशाल्लाह, वो कभी भी ना उम्मीद यहाँ से होके नहीं जाएंगे। पहली बात तो मैं डॉक्टर इरफान साहब को दिली मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने मतलब यहाँ पर आदर्श जैसा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोला, जिसके अंदर हाईली हाईटेक हॉस्पिटल है, ऑल इक्विपमेंट जो है उसके जो है ना हाईटेक इक्विपमेंट से सभी सर्जरीज अवेलेबल है लो चार्जेस पे, और यहाँ पर जो है गायनेक की फैसिलिटीज़ है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, लेप्रो, दूरबीन के द्वारा जो सर्जरी की जाती सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और कम चार्जेस में। मैंने इनका रेट चार्ज देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रेट चार्ज है, और उन्होंने ऐसा उम्मीद दिया जताया है डॉक्टर इरफान ने कि मतलब उसके अंदर भी डिस्काउंट करेंगे। तो ये जो हमारी लोकेलिटी है ये बहुत लो लेवल की है, बहुत पुअर पब्लिक है,
तो यहाँ पर एक अच्छा कदम है और इंशाल्लाह ताला अगर जो उनका ग्रोथ होगा तो उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया है कि और भी ब्रांचेस यहाँ पर खोलेंगे और अच्छी सर्विस देंगे इंशाल्लाह। तो कितने डॉक्टर्स और कितने एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर जो है डॉक्टर्स जो है सभी कंसल्टेंट जो है सर्जन अपने ऑर्थोपेडिक गायनिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जन ऑन्कोलॉजिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट फिजिशियन सब मिला के तकरीबन देख लीजिए कंसल्टेंट जो है 15-20 कंसल्टेंट हैं और नॉर्मल स्टाफ जो है वो 20 का स्टाफ है। उसके अंदर से स्टाफ नर्सिंग स्टाफ है पैरामेडिकल स्टाफ है लैब टेक्नीशियन है RMOs वगैरह है तो एक कंप्लीट सेटअप इस एरिया में और विथ गुड कम्पिटेंट पर्सन गुड कम्पिटेंट स्टाफ के साथ में इस सेटअप स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ के लोगों को मतलब एक अच्छी फैसिलिटी देने की पहल है और मेरी यहाँ के लोगों से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी है इमरजेंसी या समटाइम्स जो भी है अप्रोच करें आदर्श हॉस्पिटल में और यहाँ की फैसिलिटीज़ को उठाएँ।